जय हिंद, मैं राखी मैम। आज के करंट अफेयर देखते हैं। पहला जो करंट अफेयर है ट्राइबल कम्युनिटी से है, ठीक है, ट्राइबल मिनिस्ट्री से है। पहले ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने टू डे ट्राइबल सेंट्रिक प्रोग्राम आदि लेक्चर का इनॉग्रेशन किया है? ये कौन है? अर्जुन मुंडा, ठीक है। सीधा अर्जुन मुंडा ट्राइबल मिनिस्टर है, ठीक, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। अर्जुन मुंडा, मुंडा द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और कैग जो कंट्रोलर ऑडिट जनरल कौन है? जीसी मुर्मू, ठीक है। वो संथल कम्युनिटी से हैं। मुंडा कौन सी कम्युनिटी से हैं? मुंडा कम्युनिटी, ठीक है। अनुराग ठाकुर जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर है भारत के, ठीक है। उसके बाद कृष्णा रेड्डी जो है टूरिज्म मिनिस्टर है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, प्रहलाद जोशी जो है ये रिसेंटली छत्तीसगढ़ में भी मिनिस्ट्री में भी इनको जगह दी गया। ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है। कौन है? पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, ठीक है। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी। अब देखो राज्यसभा में राज्य स्पोर्ट्स ऑफ द लीडर कौन है? राज्यसभा में हाउस ऑफ द लीडर कौन है? हाउस ऑफ द लीडर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल आर जगदीश धनखड़ पे भी आ रही हूँ, ठीक है। अपोजिशन लीडर कौन है राज्यसभा के? अपोजिशन कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे के एच ए डी जी इनका नाम, ठीक है। और ये हाउस ऑफ द लीडर लोकसभा का कौन है? मोदी पीएम, ठीक है। और स्पीकर कर रहे हैं तो स्पीकर जो आप बोल रहे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दंकर, ठीक है, जगदीश दंकर, ठीक है, जेडी, ठीक है। अभी आपने इनकी मिमिक्री भी देखी होगी, ठीक है, बाहर की थी। जो भी दोनों होसिस के अंदर होता है ना वो डिफेमेशन नहीं होता, इसका केसेस आप नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में इंडिया के। अगर होसिस के बाहर कुछ आप किसी भी को भी बेइज्जती करते हो या कोई इंसल्ट करते हो डिफेम करते हो तो डिफेमेशन का केस बनता है, ठीक है। और अभी रिसेंटली चेयरमैन और राज्यसभा जिनकी मिमिक्री की गई वो डिफेमेशन का केस बनता है। चेयरमैन और राज्यसभा जो होते हैं एक्स ऑफिशियो भी कहलाते हैं, एक्स ऑफिशियो भी बोलते हैं इनको, ठीक है। सैलरी सेम होती है एज अ वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन और राज्यसभा की सैलरी सेम होती है, ठीक है। अब फर्स्ट चेयरमैन कौन थे राज्यसभा के? हाँ, डॉक्टर एस राधा, मीन्स जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वही पहले चेयरमैन थे, डॉक्टर एस राधा कृष्ण, ठीक है। अब आज हम जो पढ़ेंगे ट्राइबल कम्युनिटी से पढ़ेंगे, कौन सी स्कीम लगाई, कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं और क्या क्या है। सेवन ट्राइबल फेस्टिवल्स देखिए जो बड़े इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, यहाँ भी ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। अभी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी आगे है, ठीक है। बगोरिया फेस्टिवल मध्य प्रदेश, नॉन क्रेन डांस फेस्टिवल मेघालय, पुतारी कर्नाटका, नेयोकुम यूलो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, नगोबा यात्रा जो है तेलंगाना, बाईसागू असम, बांग्ला, बांग्ला बहुत बार आता है 2018 के सीडीएस या एनडीए में ये क्वेश्चन था, ठीक है। बांग्ला फेस्टिवल जो है ये गारो कम ट्राइब्स करती है, कम्युनिटी करती है नॉर्थ ईस्ट की, और इसको नॉर्थ दोबारा में नहीं ये मेघालय और असम में मनाया जाता है, ये चेक कर लेना मेघालय और असम में, ठीक है। हाँ बांग्ला, ये मैंने दो लाइन सेम ही लिख दी, ठीक है। ये फेस्टिवल्स करते जाओ, आपकी फेस्टिवल एक एग्जाम में जरूर होगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम होता है जैसे सी सेट हो गया, एफ कैट हो गया, सी डी एस हो गया, एस एस सी जी डी हो गया, अग्निवीर हो गया, इनमें ये क्वेश्चन एक जरूर रहता है, फेस्टिवल्स का जरूर रहता है, वो भी
कौन सा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, या तो करंट फेस्टिवल चलते हैं या नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 क्या बोलते हैं, बिल जो है लार्जेस्ट ट्राइब है किसकी, इंडिया की। गोंड जो है 2023 में कंसीडर की गई है कि ये लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की, ठीक है। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, यहाँ पे गोंड कम्युनिटी पाई जाती है। अब देखो कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ कहाँ पे मिलती है, मिजोरम में जो फेमस है कुकी, घारो, खासी, जयंतिया, मिक्की, ठीक है, ये मिजोरम की ट्राइबल कम्युनिटी है। नागालैंड की है गारो, कुकी, नागा, मिक्की, ये इंपॉर्टेंट, गारो जो है ये नागालैंड में भी पाई जाती है। मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स भी है वहां, ठीक है। सिक्किम की जो मेन है वो है लिपचा और भूटिया, कौन सी है, लिपचा और भूटिया, लिंबू, तमांग भी ये ट्राइबल कम्युनिटी भी पाई जाती है। त्रिपुरा की चिकमा, गारो, खासी, कुकी, लुजी, लांग एंड संथल, ठीक है, संथल यहाँ की मेन कम्युनिटी है। अरुणाचल प्रदेश की सांगपो, डफला, कामती, ये सारी अरुणाचल प्रदेश की हैं। ये सारी कम्युनिटीज जो है ये भी यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, इन सारे नॉर्थ ईस्ट में ये बिखरे हुए हैं, कोई सारी कम्युनिटी ऑलमोस्ट पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी कम्युनिटी पाई जाती है ट्राइबल, असम, भारो, खाचरी, मिक्री, लालुंग एंड हाजोंग, और मणिपुर, आप सबको पता है मणिपुर में दो दो लड़ाई है कुकी और मेती की है, मेती जो है बाहर की, मेती वहां की कि बाहर की, हाँ मेती जो है बाहर के लोग है, कुकी जो है वो मेन मणिपुर के लोगों का है, ठीक है। पांगलास नागा ट्राइब्स, ये सारे ट्राइब्स जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आती है कभी कभी एग्जाम में, दो साल में एक बार क्वेश्चन रिपीट जरूर रखिएगा कि ट्राइब्स कई बार नहीं आता, कई बार दो साल में एक बार रिपीट हो ही जाता है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्राइबल्स के लिए स्कीम भी लॉन्च की थी, ये नवंबर का करंट अफेयर है, मैंने दोबारा इसमें आके देख लो, ठीक है। आदिवासी न्याय महाअभियान क्या है, प्राइम मिनिस्टर जनमन, आदि प्राइम मिनिस्टर जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसमें प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल और स्टेट के अलग अलग शेयर रहेंगे, टोटल कितना होगा ₹24,10 करोड़, ठीक है। 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन 9 लाइन मिनिस्ट्रीज में के साथ काम किया जाएगा, और ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया था, किसका, प्राइम मिनिस्टर जनजाति आदि दिवस न्याय महाअभियान, स्कीम याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए लगाई, लॉन्च की गई है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली कल का ये भी आज का ही क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने इसका हरी झंडी दिखा दिया है कि इंडिया लीड करेगा मिशन अंटार्कटिका को, अजय भट्ट अंटार्कटिका मिशन को लीड करें, क्यों, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था जिसमें इन्होंने सिक्किम के पीक को जीता था, ठीक है, और इसमें ट्राई कलर भी डिस्प्ले किए जाएंगे। ये मिशन जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में भी हाईएस्ट पीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट की हिमालयस की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह अंटार्कटिका की विंसन है, कौन सी है, माउंट विंसन। ये आप पहले माउंट देख लीजिए, सारे कॉन्टिनेंट के कौन कौन से कॉन्टिनेंट का कौन कौन सी हाइएस्ट पीक है, एशिया की हाइएस्ट पीक और दुनिया की माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे ऊंची पीक है माउंट डेनियल भी बोलते हैं, डेनायल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद साउथ अमेरिका की आती है माउंट एकोनकागवा, ठीक, और यूरोप की माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया की कॉस्ड्यूसिस्को, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट है, अलग है कोई अलग, ठीक है, कॉजेज इसको, ठीक है, ये भी है अंटार्कटिका की विंसेंट और हाईएस्ट पीक इन इंडिया केटू, गुडविन आस्टिन, और ऑस्ट्रेलिया की नहीं लिखी लिखी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की यही है कॉजेज इसको, इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, ठीक है, देख चेक कर सकते हो आप। माउंट
एक्वान पादवा साउथ अमेरिका की, मोन डेनियल या डिनाइल नॉर्थ अमेरिका की, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की और माउंट एवरेस्ट एशिया की। माउंट एवरेस्ट का ओरिजिनल नेम सागरमाथा, याद रखिएगा सागरमाथा। चाइना में तिब्बत में इसको चाओ मा लुंगमा बोलते हैं, चाओ मा लुंगमा याद रखिएगा। और अंटार्कटिका में भारत के 3 साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर्स हैं, जिसमें एक जो है कार्नी करता हूं, ठीक है वो कौन सा है कल आप मुझे बताओगे, इनमें से 3 में से एक कौन सा अब एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। कौन कौन सा है, दक्षिण भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, ये 4 हो गए, ठीक है। इनमें से एक काम नहीं करता, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। गंगोत्री जो है काम नहीं करता, भारती, दक्षिण एंड मैत्री जो है ये एक्टिवेट है कहाँ पे, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में रिसेंटली अभी एक रिसर्च भी हुई है जिसमें बर्फ के नीचे इतना बड़ा एरिया लैंड मिला जो बेल्जियम से भी डबल है, बेल्जियम से भी डबल मानी जा रही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये वाला लाइन बाद में करके बता दी, कल आपको ये क्वेश्चन रह गया था। ये क्वेश्चन कर रह गया था आधा, यहीं पे लास्ट हुआ था, ठीक है। खेल रत्न ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है, 2 लोगों को दिया गया है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स डे पे दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देती है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद इंडिया के हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड जो है वो कौन से है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। प्रीवियसली इनको बोलते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। अब मेजर ध्यानचंद के इसमें द्रोणाचार्य जो अवार्ड है, द्रोणाचार्य ये किसके लिए है, कोच के लिए, ठीक है, कोच के लिए अवार्ड है। और 26 अवार्ड जो है, 26 मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है, सबसे छोटा महमूद, सबसे छोटा स्पोर्ट्स अवार्ड जो है अर्जुन अवार्ड है, कौन सा है, अर्जुन अवार्ड। अगर आपने अवार्ड्स को सबसे क्रम में लगाना हो, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड, फिर आता है अर्जुन अवार्ड, फिर क्या आता है, अर्जुन अवार्ड। इसी तरह भारत रत्न है, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, ठीक है। कभी कभी क्रम में ये क्वेश्चन भी आते हैं। और सबसे परमवीर चक्र, परमवीर चक्र के बाद वीर चक्र नहीं, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र और अशोका चक्र और 5 5 है कि 6, कल मैं आपको परमवीर चक्र की भी सीक्वेंस बताऊंगी कि परमवीर चक्र लास्ट वीर चक्र तक कितने लोग आते हैं, ठीक है, ये इसमें कितने अवार्ड्स आते हैं। इसी तरह मेजर ध्यानचंद द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड की मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड 26 को दिए गए हैं, और जिसने आपके नेश वो वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया के कौन से बॉलर को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, हाँ मोहम्मद शमी, याद रखिएगा मोहम्मद शमी को किसके लिए नॉमिनेट किया गया है, अर्जुन अवार्ड। ये देखो मेजर ध्यानचंद, पहले ध्यानचंद से जिनको नहीं पता, इनको मैग्निफिशेंट मैरी भी बोलते हैं, नहीं बोलते, विजार्ड ऑफ हॉकी, विजार्ड ऑफ हॉकी इनको कहा जाता है, निकनेम इनका, बड़ी बार क्वेश्चन आता है। और इनको जो मेजर ध्यानचंद है, इनका बर्थ में से 29 अगस्त को होती है, उस दिन हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, स्पोर्ट्स डे, क्या मनाते हैं, ये देना क्लास में आ रहा है ना, सैनिक स्कूल में, उस दिन हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, हर साल 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और इसका क्या हो रहे हैं कि ये अवार्ड अनाउंस किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स,
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट कौन अनुराग ठाकुर आते हैं, हैज अनाउंस्ड द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड और प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू और इवेंट ऑर्गेनाइज है राष्ट्रपति भवन, ठीक है। उसके बाद टाइम दिस टाइम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड विल बी गिवन टू बैट, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको इस साल ये दोनों प्लेयर इतने इंपॉर्टेंट है, इनसे इतने क्वेश्चन आ सकते हैं आपको किसी भी एग्जाम में। एक है चिराग शेट्टी, दूसरा है सात्विक साईराज, ठीक है। ये एशियन, ये पहले भारत के डबल प्लेयर बने हैं जिन्होंने एशियन गेम्स चाइना में हांगजाओ में क्या लिया है, गोल्ड लाए हैं। ये पहले डबल भारतीय बैडमिंटन प्लेयर बने हैं और ये इस साल इन्होंने बहुत सारी चैंपियनशिप एक साल जीती भी है, ठीक है। और इनके लिए इन दोनों को कौन सा अवार्ड मिल रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव मेजर ध्यानचंद की जगह राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न विश्वनाथन आनंद को, ठीक है। पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन से थे, विश्वनाथन एंड द यंगेस्ट प्लेयर टू रिसीव विश्वनाथन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 26 प्लेयर विल बी ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड। अब देखिए स्पोर्ट्स के इस साल के क्या क्या क्वेश्चंस रहे हैं, जो फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हार्दिक सिंह को दिया गया है, ठीक है, सॉरी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हार्दिक सिंह को दिया गया है। खेलो इंडिया गेम कहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी, तमिलनाडु में, ठीक है। फिर हॉकी की वुमेन गोलकीपर जो है सविता पुनिया को इस साल फिर से क्या मिला, तीसरी बार वोन द वुमेन गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड। सविता पुनिया कैप्टन भी है इंडियन हॉकी टीम की, ठीक है, कैप्टन भी है इंडियन हॉकी। इससे पहले रानी रामपाल थी, रानी रामपाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या थी, ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स ही क्या, और यंगेस्ट हॉकी प्लेयर भी है इंडिया की, और ये फर्स्ट हॉकी प्लेयर है, फीमेल प्लेयर है जिसके नाम पे स्टेडियम रखा गया, रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम दिल्ली में रखा गया है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में कैप्टन थी रानी रामपाल, सत्ता पुनिया गोलकीपर थी, शेष जो थे वो मेंस हॉकी टीम के क्या है, गोलकीपर है, और हरप्रीत सिंह जो है वो कैप्टन है हॉकी मेंस हॉकी टीम के। याद रखिएगा रानी रामपाल ये पहली फीमेल हॉकी प्लेयर है जिसके नाम पे स्टेडियम है, ठीक है, ये भी करंट अफेयर का हमेशा ही करंट अफेयर रहेगा, फर्स्ट इन इंडिया है, ठीक है, रानी रामपाल यंगेस्ट प्लेयर है हॉकी की थी। विजय हजारा ट्रॉफी हरियाणा ने जीती है। 13 हॉकी इंडिया सीनियर मैन चैंपियनशिप किसने जीता है, ये पंजाब ने जीता है। खो खो सीजन 2 ओडिशा में खेला जाएगा, अभी खेला है, इसको होस्ट किया कि कौन कर रहा है, ओडिशा, ठीक है। अर्जुन मुंडा ने 2 दिन ट्राइबल, ये हो गया आपको मैंने करवा दिया। रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर देखिए किस किस के कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर बने, पढ़ लीजिए। सौरभ गांगुली जो है त्रिपुरा टूरिज्म के, आर माधवन इंपॉर्टेंट है, इस साल इनकी फिल्म रॉकेट्री को बेस्ट फिल्म फिल्म नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। 28 नेशनल फिल्म अवार्ड थी जिसमें आर माधवन की मूवी रॉकेट्री को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है। पंकज त्रिपाठी को भी बेस्ट स्पोर्ट एक्टर का अवार्ड मिला है नेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल में। यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बनाया गया एम एस धोनी को, SBI का कैटरीना कैफ को, राडो का चेतन भगत को, हेनरी हार्वी ने क्वेश्चन क्या ऊपर पढ़ रही हूँ ठीक पढ़ा ना, यूपीआई का पंकज त्रिपाठी आएगा आज से, यही पढ़ा ना उसको क्या नहीं भाई SBI बोला ना Amazon के SBI को चलो फिर से पढ़ लेते हैं ठीक है। आर माधवन को इंसर्टेक कंपनी आपको का, पंकज त्रिपाठी का UPI सेफ्टी एम्बेसडर, MS धोनी को SBI का, कैटरीना कैफ को राडो का, चेतन भगत को हेनरी हार्विन एडुकेशन का, और महेंद्र सिंह धोनी लेस, और मोहम्मद शमी जो है पुमा, ठीक है, पुमा नहीं होता छोटे बच्चों से पुमा। अब एक और देखिए उनको भी है, बस कर रही हूँ थोड़ा सा लाइन है भाई, वन लाइनर देखिए
ओडिशा गवर्नमेंट रिसेंटली प्लान ऑर्गेनाइज किया एक फंक्शन विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन, ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस की गई है उड़िया लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए की गया है। इसका इनॉग्रेशन वहां के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने किया है ताकि उड़िया लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। और ये कहां से है, उड़िया कहां बोलते हैं, उड़ीसा में, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इज कॉल्ड टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। लिंगाराज टेम्पल, आरएमएस में क्वेश्चन था लिंगाराज टेम्पल भारत की कौन सी स्टेट में है, ठीक है, ये कहां पे है, उड़ीसा में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस साल कहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगी, स्विट्जरलैंड, हर साल स्विट्जरलैंड के डिवोस में होता है, डिवोस में। यहाँ पे हमेशा जो इनकी सर्वे रहता है ना वो बड़ा वाइज रहता है, ठीक है। सागर मंथन कंक्लेव गोवा में होगा 2024 में, ठीक है, सागर मंथन कंक्लेव। उसके बाद गोवा में इंडिया, ये हो चुका, सॉरी, गोवा में होल इंडिया एनर्जी वीक भी गोवा में होगा 2024 में। वाइस प्रेसिडेंट दनकर ने इनॉग्रेशन किया अटल हेल्थ फेयर इन लखनऊ में, ये वेरी इंपॉर्टेंट यूपी प्लेस के लिए, ठीक है। यूपी को कैपिटल सिटी या प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। और 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो है जिसका थीम क्या रहा है, गेटवे टू द फ्यूचर, और 10th गुजरात ग्लोबल वाइब्रेंट है, याद रखिएगा। इसी तरह यूके ने उत्तराखंड ने भी स्टार्ट किया है, उत्तराखंड ने क्या डेस्टिनेशन टू उत्तराखंड, ये याद रखिएगा। जैसे ये गुजरात वाइब्रेंट गुजरात है उसका डेस्टिनेशन टू उत्तराखंड है, ये आपके आज के करंट अफेयर, मैंने जल्दी जल्दी में ही खत्म किया, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।